दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीआई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नई ब्रांडिंग है। नई ब्रांडिंग और एक और नए नाम के साथ वीआई ग्राहक सेवा को बढ़ाकर और नए ऑफर्स देकर अपनी छवि में सुधार करना चाहता है। हाल ही में वीआई ने 351 रुपए का होम डेटा एडन पैक पेश किया है, जो कि ग्राहकों को 251 रुपए वाले प्लान से दोगुना डेटा देता है। वीआई अपने ग्राहकों को अधिक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अपने वीआई मूवीज और टीवी ऐप को अपडेट किया है। अब नया वीआई मूवीज और टीवी ऐप 50 SD और 50 HD चैनलों के साथ अपडेट किया गया है। वीआई मूवीज और टीवी ऐप अब नए जोड़े गए HD टीवी चैनलों के साथ आते हैं। विभिन्न तरह के ग्राहकों के जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शैलियों और विभिन्न भाषाओं में चैनल जोड़े गए हैं। कुछ नए जोड़े हुए चैनल्स के बारे में हम आपको बताते हैं। इनमें है हिस्ट्री टीवी 18 डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी 18 HD, एनिमल प्लेनेट HD, एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी वर्ल्ड HD, डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी टर्बो, कलर्स, CNBC टीवी 18, MTV, कलर्स रिश्ते, न्यूज 18 इंडिया, रिश्ते सिनेप्लेक्स, MTV बिट्स, कॉमेडी सेंट्रल, CNN न्यूज 18, कलर्स इन्फिनिटी, CNBC आवाज, CNBC टीवी 18 प्राइम HD, MTV HD, निक जया, निक HD प्लस, निकलोडियम सोनिक, कॉमेडी सेंट्रल HD, कलर सुपर और कई अन्य SD और HD चैनल विभिन्न भाषाओं में जोड़े गए हैं। आपको बता देंगे वीआई मूवीज और टीवी ऐप की अच्छी बात यह है कि वीआई मूवीज और टीवी ऐप में हाई क्वालिटी HD चैनल शो को देखा जा सकता है, जबकि एयरटेल और जियो टीवी में HD को कॉम्प्रेस कर दिखाया जाता है, जिस कारण से एयरटेल और जियो टीवी में फुल HD का मजा नहीं आ पाता है। लेकिन ऐसा वीआई मूवीज और टीवी ऐप में नहीं है। वीआई मूवीज और टीवी ऐप में फुल HD चैनल शो को देखा जा सकता है। बता दें कि वीआई मूवीज और टीवी ऐप में लाइव टीवी के अलावा कई और अन्य फीचर्स जोड़े गए हैं। वीआई मूवीज और टीवी ऐप में फिल्में, ओरिजिनल्स और न्यूज भी दिखाए जाते हैं। वीआई कस्टमर इस ऐप में रजिस्टर कर इसका मजा उठा सकते हैं। वीआई कस्टमर इस ऐप को डाउनलोड कर रजिस्टर करके अपने मनपसंद टीवी चैनल्स, मूवी और शो का मजा उठा सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.